अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खान है। आज की वीडियो जो है ना, एक दो बड़ी प्यारी सेंग्स हैं ऑरेलियस की ना, उससे शुरू करते हैं। मार्कस ऑरेलियस बोलता होता है कि हमारी जो थॉट्स की क्वालिटी है ना, उसी पे हमारी लाइफ की क्वालिटी डिपेंड करती है। इफ़ यू हैव अ पॉजिटिव थॉट्स, ऑर्गेनाइज्ड थॉट्स, आपकी लाइफ क्वालिटी अच्छी होगी। और अगर आपकी थॉट्स नेगेटिव हैं, बैड हैं, यू आर लिविंग अ वेरी बैड लाइफ, यू नो। तो इसी तरह वो इसको थोड़ा सा आगे लेके चलता है। वो आपको बोलता है कि जो आपकी सराउंडिंग्स में चीज़ें हो रही हैं, आपके इर्द गिर्द हो रहे हैं, जो इवेंट्स हो रहे हैं, वो जो है आपके कंट्रोल में नहीं होते। बट एक चीज़ जो आपके कंट्रोल में होती है, वो आपकी थॉट्स हैं। तो एटलीस्ट हम उनको तो ठीक रख सकते हैं, और फिर इवेंचुअली अगर आप उनको ठीक रख लें, हम बेहतर तरीके से इवेंट्स को भी जो है वो कॉप कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। और अपनी जो लाइफ है, अगेन जो यहाँ पर हम फिर रहे हैं, जितनी देर भी फिर रहे हैं, इसको बेहतर बना सकते हैं। आगे अब चलते हैं कि हम अपनी थॉट्स को किस तरह जो है ना ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मोर क्लियर रख सकते हैं, क्योंकि हमारी जो है वो तो बस बिखरी हुई थॉट्स हैं। और एक जो है ना, जिस तरह वो भीड़ सी इकट्ठी हुई है दिमाग के अंदर और वो चलते जा रहा है, उसको ऑर्गेनाइज किस तरह किया जा सकता है। अगेन मैं हेल्प लूँगा स्टोइसिज्म की, जो स्टोइक्स गुजरे हैं, वो एक बड़ा प्यारा एक फार्मूला सा आप समझ लो कि इसके ऊपर रखते हैं। जिस तरह मैंने एक वो फार्मूला, अक्सर कोई पूछे ना कि हम किस तरह अपने फियर को कोप करें, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक छोटा सा वो मैजिक वर्ड समझ लो, वो अपने आप को बस अफर्म करते रहा करो, सो व्हाट सो व्हाट सो व्हाट, क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो अल्टीमेटली आपका जो ब्रेन है ना, वो इस पे हैबिचुअल हो जाएगा, वो हर चीज़ पे कहेगा सो व्हाट, ठीक है। तो आपके अंदर के जो फियर्स हैं, आपके अंदर के जो डर हैं, वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, आप उनसे बेहतर कोप कर सकते हो। इसी तरह अपनी थॉट्स को क्लियर रखने के लिए एक छोटा सा फार्मूला याद रखना आप, वो है इफ़ देन, ठीक है। इफ़ देन, छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, लाइट चल रही है, इफ़ अगर मैं बटन दबाऊंगा देन लाइट चलेगी, इससे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इफ़ इफ़ मैं लाइट दबाऊंगा, क्या लाइट चलेगी, अगर नहीं चलती तो मैं एक अपने आप को बिल्कुल लॉजिकल और जो रियलिस्टिक टर्म्स है उनके ऊपर रखूँगा। अगर मैंने ऐसा किया, ऐसा हुआ, और अगर वैसा हो जाता है, दैट्स इट। उसकी बेसिस पे आपने अपना जो भी आप गुजार रहे हो, ये जो प्रोग्रामर्स होते हैं, या क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, उधर भी इस चीज़ को वैसे सिखाया जाता है कि इसको इफ़ देन पे रखो। ये इफ़ अगर मैंने ये लगाया फार्मूला, तो क्या देन क्या रिजल्ट आया ना मेरे आगे। तो आपने अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करना है, और जस्ट स्टिक विद इट। आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी जो थॉट्स हैं, आपके जो डिसीजंस हैं, वो बड़े क्लियर रहना शुरू हो जाएंगे। ज़्यादा आगे पीछे होने की ज़रूरत नहीं, हम जो है ना वो प्रियम्प्ट करते हैं चीज़ों को, मुझे लगता है ऐसे हो जाएगा, मुझे लगता है वैसे हो जाएगा, उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप कहोगे कि यार मुझे अगर इस चीज़ का खदशा है भी है, तो नाउ अगर मैं ऐसे करता हूँ तो क्या होगा, करके देख लो, आप कर लो। मैं आप समझ लो कि इन सब को कंबाइन करके एक फार्मूला बनाता हूँ, इफ देन सो व्हाट। अगर तो चीज़ें मेरे हिसाब से चलेगी, वेल एंड गुड, नहीं गई तो ठीक है, ये ऐसा ही होना था। अपनी लाइफ को इजी रखें और अपने थॉट्स को बिल्कुल क्लियर रखें, और उसके लिए आपको ये छोटी सी एक जो फार्मूला अगेन बोल रहे हैं, ये जो छोटे से वर्ड्स हैं, इनको अपना ना बांध दें अपने साथ के, ठीक है, मैंने इससे ज़्यादा नहीं अभी सोचना, क्योंकि आई हैव बीन देयर। हम बेतहाशा ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, खुराफात बैठ के सोचते रहते हैं चीज़ों की, और पता नहीं क्या कुछ। तो क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि हम जब अपने आप को एक्शन में ढाल लेते हैं ना, तो हमारी जो ओवर थिंकिंग है ना, वो खुद ब खुद ख़त्म होना शुरू होती है। एज लॉन्ग एज अपने आप को किसी एक्शन में नहीं डालते, आप कुछ कर ही नहीं रहे, तो आपकी थॉट्स जो है ना आपको तंग करती रहती हैं, वो आपको जो है ना डराती रहेंगी बैठ के, आप नेगेटिव बैठ के सोचते रहोगे, सब कुछ चलता रहेगा। जैसे ही आप एक्शन की तरफ चले जाओगे, कुछ भी है वो प्रोडक्टिव होता है या नहीं होता है। अगर नहीं प्रोडक्टिव होता, तो एटलीस्ट आपको एक्सपीरियंस ही हो जाएगा, आपको ये, आप उस कंक्लूजन पे तो आ जाओगे ना कि अच्छा यार ये चीज़ काम नहीं की,
हम किसी और तरफ निकल जाएंगे। बस आपको एक्शन में डालने के लिए कम से कम इस चीज़ की ज़रूरत है कि अगर मैं ऐसे करूँगा, आप तो कुछ कर ही नहीं रहे होते हैं ना, प्रॉब्लम ही ये है। सो अपने आप को एक्शन में ढाल लें और अपनी थॉट्स को बिल्कुल क्लियर रखें कि यार मुझे ये इसी तरह ही करना है। तो अब देखोगे, एक तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, दूसरा ये कि कहते हैं ये जो खुराफात दिमाग के अंदर फिरती रहती हैं कि ये ना हो जाए, ये डर ना हो जाए, आप डिप्रेसिव होते हो आप चीज़ों को। और सबसे जो ज़्यादा मुझे मसला होता है ना, जब मेरे पास कोई आता है कि मुझे लगता है मेरे से ये चीज़ नहीं हो पाएगी, मुझे वैसे आप प्रियम्प्ट करना छोड़ दो, मुझे लगता है मुझे इस तरह कुछ है, मुझे इस तरह कुछ है, मुझे लगता है ये चीज़ मेरे पे वर्क ही नहीं करेगी, ऐसे हो जाएगा, फलां हो जाएगा, टिंकरा हो जाएगा, तो ये प्रियम्प्ट करना छोड़ दो आप चीज़ों को। और आप ख़ुद कभी अपना एनालिसिस करोगे, थोड़ा सा कैथारसिस करोगे, आपको लगेगा कि मैं एक्शन तो कर ही नहीं रहा, मैं बैठ के सिर्फ गूगलिंग कर रहा हूँ, मैं बैठ के सिर्फ वरिंग कर रहा हूँ, मुझे चीज़ों को सोच रहा हूँ कि यार ऐसे ही होंगी, ये होंगी ख़राब, मेरे साथ होता ही वैसे है, मेरे साथ होता ही ऐसे है। तो ये अगर वीडियो सुन रहे हैं आप, तो आज के बाद कोशिश करें कि अपने जितनी भी थॉट्स हैं, जितने भी डिसीजंस हैं, उनको एक्शन में ज़रूर डालें। अगर कोई मुझे बोलता है ना कि चीज़ें अगर नहीं इस तरह जाएंगी, या फलां हो जाएगा, या टिंकरा हो जाएगा, तो मैं रात को सोते वक्त बहुत सी चीज़ें जो मैं स्टार्ट करता हूँ, जो मैं कोशिश करता हूँ ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, उस तरह नहीं जाती। बट रात को सोते वक्त आप अपने आप में मुतमिन सोया करो कि जो मेरे बस में था वो मैंने कर लिया। आपको अल्टीमेटली ओबियसली बींग स्पिरिचुअलिस्ट कह लें, बींग ह्यूमन कह लें, बींग मुस्लिम कह लें, जो मर्जी कह लें, ये तो मैं सब जो भी सुन रहा है हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि उसको नेचर के ऊपर ही अल्टीमेटली ट्रस्ट करना पड़ता है। और फिर जो क्रिएटर ऊपर है, वो जो सोचता है, वो जो जानता है, होना तो चीज़ें उसी तरह। तो पर एटलीस्ट आपको अपनी एक ट्राई जो है ना, उसको लाजमी करना चाहिए, ताकि एट द एंड ऑफ द डे आप मुतमिन रहो, सुकून में रहो। सो तीन चीज़ें आप अपने अपनी लाइफ के अंदर ऐड कर लें। पहली इफ देन, कि अगर मैं ऐसे करूँगा तो ये जो है ना, ये रिजल्ट है। और उसके बाद अगर कहते हैं आप वरीड होते हो, या मतलब आपको लगता है कि कहते हैं ऐसे आपके अंदर कोई खौफ पैदा हो जाता है, ऐसे वो सो व्हाट यार, लेट इट बी, देखी जाएगी जो होगा। खैर आज के इतने पे काम था, इंशाल्लाह फिर बात होती है। अल्लाह हाफिज़।